सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर हम बढ़ाएंगे। ऐसा विधानसभा का जो बचा हुआ जो विकास है, उस विकास को इस 5 साल में पूरा करना है। सहरसा से पूरे बिहार में हम लोग को बदलाव लाना है। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। चुनाव नजदीक है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जो नेतागण है उनके वादों का जो ये फहरिश्त है वो बड़ी होती जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है नेता जब भी जनसभा करते हैं चुनाव के वक्त वो कहीं ना कहीं हर तरह के वादे करते हैं और जनता उसको मानती है, इसलिए वोट देती है। सरकार जब बनती है तो कई बार उन वादों को पूरा भी किया जाता है और कई बार जो है वो जो वादा जो नेतागण करते हैं वो अधूरा रह जाता है। और इसी कड़ी में अब आ गया है सहरसा, जो कि साल 1954 में भागलपुर से अलग हुआ था, उसके बाद से भी सहरसा के कुछ ऐसे इलाके अब भी हैं वहाँ पर उस शहर में जहाँ पूर्ण तरीके से विकास नहीं हुआ है। रोड जर्जर हालत में है, ओवरब्रिज बनना था, ओवरब्रिज बना नहीं। 5 बार इस जगह का शिलान्यास हो चुका है, आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर 5 बार शिलान्यास हुआ है और किस तरीके से इस रोड की बुरी स्थिति में है, ये जर्जर स्थिति में है। 5 बार शिलान्यास हुआ लेकिन एक बार भी ओवरब्रिज की जो नींव है वो नहीं पड़ी। और इस बार भी चुनाव नजदीक है और इस बार भी सहरसा के विधानसभा क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी हैं, हर एक पार्टी के प्रत्याशी, वो उनसे वादे कर रहे हैं सहरसा की जनता से कि वो ओवरब्रिज बना के देंगे, शिक्षा में वृद्धि करेंगे, हर तरह के उनके मैनिफेस्टो में बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं, ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये टूटा फूटा जो ये सड़क है, ये साल 1954 के बाद से मैं बता रहा हूँ, जब से सहरसा अलग हुआ भागलपुर से, तब से जब से सहरसा बना है यहाँ पर विकास नहीं हुआ है और मूल निवासी जो वहाँ के हैं वो इस बात से आक्रोशित हैं। आप खुद सुनिए वहाँ के स्थानीय निवासी किस तरीके से कह रहे हैं कि वो कितने परेशान हैं वहाँ के निवासी इस जगह की बुरी हालत को लेकर। से हम लोग लगे हुए हैं और अब लग रहा है कि हम लोग के काम पे जो रही है, आज हम लोग के रोड में प्रशासन स्तर या जो भी किए होंगे उन्होंने पानी तो निकलवा दिया, लेकिन ये दूरदर्शी वाला काम नहीं हुआ। ये काम से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और हम लोग आज भी अटक हैं कि वोट तब तक नहीं देंगे जब तक हमारे रोड को बनाया नहीं जाएगा। तो सुना आपने, स्थानीय निवासी थे ये जिन्होंने अपना दर्द बयां किया, अपना दर्द साझा किया। और अब आपको लेके चलते हैं डॉक्टर आलोक रंजन के पास। ये वीडियो हमारे जब रिपोर्टर गए वहां पर उनसे बात की, डॉक्टर आलोक रंजन से जो कि पूर्व विधायक है वहां से, उनसे जब बात की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बिल्कुल ओवरब्रिज बन जाएगा, नहीं बना तो आप संन्यास ले लेंगे? नहीं बनने का कहां सवाल उठता है। ओवरब्रिज बनाने का रास्ता हम अपने समय में खोले हैं 10 से 15 के बीच। इस सहरसा के बीच शहर से NH बाईपास बनवा करके, इसको PWD में ट्रांसफ़र करवा करके, इसका DPR बनवा करके यहाँ तक लाने का काम किए थे और इस चुनाव जीतने के बाद इस ओवरब्रिज के काम को शुरू कराना। सहरसा विधानसभा का जो बचा हुआ जो विकास है, उस विकास को इस 5 साल में पूरा करना। तो ये थे डॉक्टर आलोक रंजन, पूर्व विधायक विधानसभा क्षेत्र से सहरसा के। अब आपको हम लेकर चलते हैं जब हमारे रिपोर्टर NCP के उम्मीदवार के पास गए, राघव झा के पास गए जो कि NCP के उम्मीदवार हैं, उनसे बातचीत की। क्या कुछ बातचीत हुई आप इस वीडियो में सुने। सहरसा की जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी बस एक ही इच्छा है कि हमारे शहर की, हमारे जिले की, हमारे संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र के सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर हम बढ़ाएंगे, बनाएंगे और एक नए विधानसभा क्षेत्र का निर्माण करेंगे। जो भी काम हमारे आदरणीय चाचा जी स्वर्गीय रमेश झा जी के द्वारा जो अधूरा काम रह गया है उसको हम पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे। तो सुना आपने, ये थे NCP के उम्मीदवार राघव झा। अब आपको लेकर चलते हैं राजद के उम्मीदवार लवली आनंद की तरफ। अब उनके क्या बोल हैं इस मसले को लेकर आप खुद सुन लीजिए। हमारे रिपोर्टर गए लवली आनंद जो कि RJD की उम्मीदवार हैं विधानसभा क्षेत्र सहरसा की, आप उनसे सुनिए कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। देखिए, हम पर भरोसा दिलाया जताया गया है और लालू जी का, तेजस्वी जी का, राबड़ी जी का, तमाम लोग का और पूरे बिहार में, अब सहरसा से पूरे बिहार में हम लोग को
बदलाव लाना है और हमें नहीं लगता है कि हमारे आने से परेशानी होगी। तो सुन लिया आपने, ये थे तीनों प्रत्याशी जिन्होंने अपनी अपनी बातें कही। अब जनता किसकी बात मानेगी तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या वाकई सहरसा के इस इलाके में विकास होगा? क्या वहां ओवरब्रिज बनेगा? ट्रैफिक सुरक्षा की व्यवस्था ठीक से हो पाएगी? सड़क का निर्माण होगा? जो भी है अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि नेता तो वादे करते ही हैं और वादे कई बार पूरे भी होते हैं और कई बार खोखले भी हो जाते हैं। और ये जगह जो सहरसा का ये जो जगह है ये उसी बात का प्रमाण है। तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि सहरसा के इस जगह पर विकास होता है, अगर ओवरब्रिज बनता है कि नहीं बनता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए नेशन न्यूज़। धन्यवाद।